एवरीवन, वेलकम। मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। ब्रांड क्वीन करीना को किसने दी एक साथ 21 ब्रांड्स छीन लेने की धमकी। मोहम्मद रफी के बेटे ने लता मंगेशकर को क्यों दी लीगल एक्शन लेने की धमकी। विवेक ओबेरॉय किस फिल्म को रिजेक्ट करने के बाद मना रहे हैं खुशी। और दिखाएंगे रानी मुखर्जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक्ट्रेस करीना कपूर के लिए आ रही एक बुरी खबर से। बॉलीवुड में करीना को ब्रांड क्वीन माना जाता है, लेकिन बेबो के इस ब्रांड क्वीन स्टेटस को कोई कर रहा है चैलेंज। और बेबो को ये वार्निंग मिली है कि उनसे छीने जा सकते हैं पूरे 21 ब्रांड्स। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म्स ही नहीं, अब तक 21 बड़े ब्रांड्स के पोस्टर्स के जंगल में भी रहती आई हैं करीना। पर अपनी एंडोर्समेंट डील्स की वजह से ग्लैमर, गॉसिप और रोशनी की जो हलचल करीना को नहीं मिली, उससे कहीं ज्यादा बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है। अब इन्हीं ब्रांड से करीना को मिली एक धमकी। जी हाँ, इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस की लाइफ पोर्ट्रे करके बेबो ने जो कैरेक्टर निभाया, वो रियल लाइफ में भी उनके पीछे पीछे आ जाएगा, ये शायद बेबो ने भी नहीं सोचा होगा। वैसे फिलहाल ये ठीक ठीक कहना जरा मुश्किल है कि हेरोइन के टैंक हो जाने की वजह से करीना मुश्किल में घिरती दिख रही है, या फिर उनकी अक्टूबर में होने वाली शादी के रूमर्स ने ब्रांड से करीना के एसोसिएशन को ट्रबल में डाल दिया है। Well, इससे पहले कि आप कुछ और समझें, बता दें कि रिपोर्टेडली करीना को कई ब्रांड से मिली है एक डेडलाइन। करीना, who endorses 21 brands, has been asked by the brands to wrap up all the shoots and brand commitments by November, or else she will be dumped. So far, she hasn't given any dates to them. अब ये तो Zoom आपको पहले ही बता चुका है कि बो सैफ अली खान के साथ बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए गई हैं करीना। अब जरा इसका एक्सक्लूसिव अपडेट भी ले लीजिए। सोर्स से पता चला है कि लंदन में करीना बीमार पड़ गई हैं और इसी वजह से सैफ और करीना को लंदन में अपना स्टे एक्सटेंड करना पड़ गया। रिपोर्टेडली सैफ ने अपना अक्टूबर 2 को इंडिया में होने वाला एक शूट भी कैंसिल करवा दिया है। Even Bebo has to shoot for a bag brand. लेकिन तबीयत बिगड़ जाने की वजह से बेबो ये शूट नहीं कर पाएंगी। उस पर अब सोर्सेस की माने तो इंडिया से उनके मैनेजर ने फोन करके एक और झटका दे दिया है कि अगर करीना ने नवंबर तक उनकी सभी ब्रांड के कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए जिन्हें बेबो करती हैं एंडोर्स, तो उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। वेल, अगर अब ये खबर सही है तो बेबो अपने करियर के इस बैड फेज से कैसे निकलेंगी बाहर, ये देखने का इंतजार शायद करीना के फैन से ज्यादा उनके कंपेटिटर्स को रहेगा। फॉर कीर्ति तरंग, जूम मुंबई। लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच हुई 50 इयर्स पुरानी कंट्रोवर्सी आज फिर से कर रही है लता मंगेशकर को परेशान। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। ईयर 1963 में लेजेंडरी सिंगर्स लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच हुए झगड़े की हेडलाइंस आज 2012 में जाकर बन रही हैं। रिसेंटली लता मंगेशकर जी ने एक टैबलॉइड को दिए इंटरव्यू में कहा था कि रॉयल्टी के इशू पर हुए झगड़े के दौरान मोहम्मद रफी ने उनसे माफी मांगी थी। मैं आज से लता के साथ नहीं गाऊंगा। रफी साहब, एक मिनट, आप नहीं गाएंगे मेरे साथ, ये गलत बात है। मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। I stormed out and called all my composers there and then informed them to rope in another singer if it was a duet with Rafi Sahab. Iske aage Lata ji ne kaha, composer Jai Kishan took the initiative. I asked him to get a written apology from Rafi Sahab. I got the letter and ended the Cold War. But whenever I'd see him, the hurt would return. Aur Lata ji ka yahi bayan hai jo Mohammad Rafi ke bete Shahid Rafi ko galat lag raha hai aur wo chahte hain ki Lata Mangeshkar iske liye maafi mange. Definitely sorry. And the real fact, साथ ही शाहिद रफी ने साफ कर दिया है कि अगर लता जी ने माफी नहीं मांगी तो वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। वैसे बात यही नहीं रुकी। शाहिद रफी ने आरोप लगा दिया कि लता जी ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए कर रही है। Why now? Publicity? अभी है, अभी बहुत जरूरत है। Well, शाहिद रफी के इन बयानों के बाद ये मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह लता जी शाहिद के इन आरोपों का जवाब देती है।
फॉर रोशनी दुबे जूम मुंबई। फिल्म केएलपीडी के प्रमोशंस में बिजी विवेक ओबेरॉय एक फिल्म को रिजेक्ट करने की बात मीडिया से बहुत खुश होकर बता रहे हैं। कौन सी है विवेक की वो फिल्म और वो क्यों बार बार मीडिया को इस बात की जानकारी दे रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। वो फिल्म मुझे ऑफर की गई थी ना, मैंने रिजेक्ट की इस फिल्म को। I was offered that film, I rejected that film. विवेक ओबेरॉय यहाँ एक फिल्म को बड़े कॉन्फिडेंटली रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं। वो फिल्म मुझे ऑफर की गई थी ना, मैंने रिजेक्ट की इस फिल्म को। I was offered that film, I rejected that film. Well, ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि शूट आउट एट लोखंडवाला की प्रीक्वल शूट आउट एट बडाला है। शूट आउट एट लोखंडवाला से विवेक को बॉलीवुड में एक नई पहचान मिली थी। यहाँ तक कि कुछ समय तक लोग विवेक को माया भाई के नाम से बुलाया करते थे, लेकिन अचानक अब ऐसा क्या हुआ है कि विवेक ने इस बड़ी फ्रेंचाइज को रिजेक्ट कर दिया। वो फिल्म मुझे ऑफर की गई थी ना, मैंने रिजेक्ट की इस फिल्म को। I was offered that film, I rejected that film. Well, Zoom के सोर्सेस की माने तो विवेक के इस इनकार की वजह फिल्म की स्क्रिप्ट या को एक्टर्स नहीं बल्कि संजय दत्त है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल शूट आउट एट वडाला संजय गुप्ता की फिल्म है, जिनके साथ संजय दत्त के रिश्ते अब कुछ ठीक नहीं है, और यही वजह है कि संजय दत्त ने अपने फ्रेंड विवेक ओबेरॉय को ये फिल्म ना करने के लिए कहा है। और फिर क्या था, संजू की इंस्ट्रक्शन के बाद विवेक ने ये फिल्म नहीं की। Well, लगता है विवेक अपनी दोस्ती निभाना कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से जानते हैं। तभी तो संजय दत्त के बस एक बार कहने पर उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। फिल्म कमाल धमाल और मालामाल के प्रमोशन से फिल्म के लीड परेश रावल पहले ही है गायब। और रिसेंटली एक प्रमोशनल इवेंट पर जब हम नाना पाटेकर से मिले तो वो भी फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन से थे नाराज। टेक अ लुक। जूम ने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि परेश रावल के पास कमाल धमाल मालामाल को प्रमोट करने के लिए टाइम नहीं है, as he is busy promoting his other film Oh My God, जिसमें उन्होंने पैसे भी लगाए हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ जब उनकी फिल्म कमाल धमाल मालामाल का इवेंट रखा गया तो वहाँ वो मौजूद नहीं थे। यहाँ पर नाना पाटेकर और उस फिल्म की एक्ट्रेस मधुरिमा ही दिखी। फिल्म की बाकी स्टार कास्ट में से भी कोई नहीं आया था। पर यहाँ आए नाना भी लगता है फिल्म को प्रमोट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे। तभी तो जहाँ उन्हें अपने फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन की तारीफ करनी चाहिए थी, वहीं आकर उन्होंने ये बयान दिया कि उन्हें अपने डायरेक्टर पर गुस्सा आता था। एक्चुअली मुझे गुस्सा बहुत आता था प्रियन से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नाना को अपने डायरेक्टर पर गुस्सा आता था, इतना गुस्सा कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए फिल्म के सेट पर खाना बनाते थे। आपको शायद यकीन न आ रहा हो, पर आप खुद ही सुन लीजिए। एक्चुअली मुझे गुस्सा बहुत आता था प्रियन से, क्योंकि मेरे लिए डायलॉग्स थे नहीं ज़्यादा, और वो गुस्सा कहीं निकालूँ तो मैं उसमें वो अपना वो सब जहन दिमाग जो था वो खाने पकाने में लगाता था। नाना को गुस्सा इसलिए आता था कि उन्हें बहुत कम डायलॉग्स दिए गए थे फिल्म में। Well, नाना यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने तो प्रियदर्शन को मारने तक की बात कह डाली। एक्चुअली मुझे गुस्सा बहुत आता था प्रियन से, क्योंकि मेरे लिए डायलॉग्स थे नहीं ज़्यादा, और वो गुस्सा कहीं निकालूँ तो मैं उसमें वो अपना वो सब जहन दिमाग जो था वो खाने पकाने में लगाता था। अगर वो नहीं करता तो शायद मैं मारामारी करता था, तो इसलिए वो मारामारी अवॉइड करने के लिए मैं खाना पकाता था, और खाना पका ही दिया तो फिर यूनिट खा लेता। शायद ऐसा ही कुछ फिल्म के दूसरे स्टार्स के साथ भी हुआ है। तभी तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट में से सिर्फ दो ही स्टार्स इस फिल्म के इवेंट पर पहुंचे, और जब हमने इनसे उम्मीद की कि ये हमें फिल्म के बारे में कुछ अच्छा बताएंगे तो वहीं नाना पाटेकर तो प्रियदर्शन की बुराई करने लगे। सिर्फ फिल्म के डायरेक्टर ही नहीं, उन्होंने तो प्रोड्यूसर्स पर भी निशाना साध दिया ये कहकर। इवेंचुअली मालामाल तो प्रोड्यूसर होता है, कमाल ये होते है कि वो तुम्हारा चेक नहीं देता और धमाल जब होती है कि वो चेक देता है। और हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशंस पर फिर से नजर आया टीचर करण जौहर का कैरिंग अंदाज। यहाँ क्वेश्चंस तो फिल्म के स्टार कास्ट से पूछी जा रही थी, लेकिन इसका जवाब करण दे रहे थे। टेक अ लुक। करण के ये वेले स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर बनेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन करण ने अपना एक अवार्ड जरूर फिक्स कर लिया है, और वो कौन सा अवार्ड है खुद करण से ही सुन लीजिए। बेस्ट ट्रेनिंग अवार्ड मुझे मिलना चाहिए। जी हाँ, करण को है पूरा कॉन्फिडेंस कि उन्हें मिलना चाहिए ट्रेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और वो क्यों, इसको भी पूरी तरह से जस्टिफाई किया करण ने इस पूरे इवेंट के दौरान, क्योंकि उनके इन तीनों स्टूडेंट्स ने फेस किया मीडिया को बिल्कुल एक्टली। ऐसे लॉन्च किया जाता है
न्यूकमर्स को, ऐसे लॉन्च किया जाता है न्यूकमर्स को। जी हाँ, करण की ट्रेनिंग थी इतनी परफेक्ट कि नहीं मिला मीडिया को कोई भी कंट्रोवर्शियल जवाब। कोई कंट्रोवर्शियल सा आंसर आपको नहीं मिलेगा सवाल जो भी हो, क्योंकि करण ने इन तीनों को बोलना, बैठना, चलना सब कुछ सिखाया है। ट्रेनिंग पूरी तरह दी गई, सब अच्छे करेक्ट सवाल दे, कुछ ज्यादा ना कहे, अच्छी तरह अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाएं। और अगर आपको इस बात का प्रूफ भी चाहिए तो आइए आपको सुनाते हैं आलिया भट्ट का एक परफेक्टली ट्रेन्ड आंसर व्हेन वी आस्क्ड हर अबाउट द स्ट्राइकिंग रिजेम्ब्लेंस ऑफ हर इनोसेंस विद करीनास व्हेन शी स्टार्टेड हर करियर। लिसन अप टू मिस परफेक्टली ट्रेन्ड आलियास आंसर। जी पहले तो दैट्स अ वेरी वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट, वो बहुत ही बड़ी स्टार है, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, तो आई वुडन्ट इवन कंसिडर कंपेयरिंग माई सेल्फ टू हर। मैं तो अभी एक पौधा भी नहीं हूँ, वो तो सितारा है। तो आई लव हर, मैं उनका काम बहुत पसंद करती हूँ, बट आई डोंट थिंक इट्स ever possible that I can be compared to her. She's just too good. पर जब मीडिया ने उनसे पूछा कि अपने फादर महेश भट्ट और करण जौहर की फिल्म मेकिंग के बीच किसकी स्टाइल है आलिया को ज्यादा पसंद, तो आलिया ने कहीं ना कहीं अपने गुरु करण को किया ऑफेंड, but she soon calmed up. जो पिक्चर मेरे फादर बना चुके हैं जैसे जख्म, अर्थ, सारांश, वो बहुत ही इंटेंस फिल्म्स है आई वुड से, और बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है। करण और जैसे कि हम सब जानते हैं, ही इज़ वेरी यूथ ओरिएंटेड, ग्लॉसी, फन, तो आई कांट चूज बिटवीन माय, मेरी फ्रिवोलस है मूवीज, भट्ट साहब की बिचरे इंटेंस, आई कांट चूज बिटवीन माय टीचर एंड माय फादर, सो आई वुड से आई लव बोथ ऑफ देम। गुड कमबैक। वेल कम बैक तो हो गया, और ऐसा हुआ कि आलिया हो गई मीडिया के साथ थोड़ी कंफर्टेबल और फ्री भी। व्हेन वी फर्दर आस्क्ड हर अबाउट स्टारिंग इन एनी ऑफ हर डैड्स फिल्म्स, आलिया वाज क्विक टू रिप्लाई। आप किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं? चाहे राज 3 हो, मर्डर हो, राज 8 में मैं काम करना चाहूंगी। जी, राज 8 जब रिलीज होगी तो आप मुझे देखोगे वापस। आलिया के खुद के कॉन्फिडेंस का तो पता नहीं, बट शी डेफिनेटली इज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट द राज सीरीज। वैसे बात कॉन्फिडेंस की हो ही रही है, तो आपको बता दें कि करण को है कितना कॉन्फिडेंस अपने इन तीनों स्टूडेंट्स पर। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। कॉन्फिडेंट इज एन इमोशन के मैं उस रास्ते से कभी गुजरता नहीं। आई एम नेवर कॉन्फिडेंट, आई एम ऑलवेज हैप्पी। So, because confidence comes with something that I don't think any creative person should ever be confident or overconfident. You can be satisfied, and I'm more than satisfied with both Varun and Sid and Alia, all three of them. Mere liye, they are the debuts of the year. इनको तो अवार्ड मिल गया, but जाते जाते आपको बता देते हैं कि इन सब के हाथ में ये ट्रॉफी किस बात के लिए है। दरअसल इन्होंने स्टार्ट किया है एक बेस्ट बॉडी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, तो ऐसे में करण से ये पूछना तो बनता ही था कि उनका बेस्ट बॉडी कौन है। मेरे बचपन में मेरा एक दोस्त है अपूर्वा मेहता, जो आज भी मेरे आज मेरी कंपनी का CEO, मैं उसे 30 साल से जानता हूँ। तो अगर ये ट्रॉफी मुझे किसी को भी देना हो तो मेरी कंपनी की CEO को मैं ज़रूर दूंगा, पूर्वा मेहता, क्योंकि मेरा साथ उन्होंने स्कूल, कॉलेज और आज भी दे रहे हैं वो। उपस करण, हमें तो लगता था कि आप SRK का नाम लेंगे। शाहरुख ऑफकोर्स, लेकिन वो तो बड़े भाई हैं तो उनको मैं बड़ी बुलाता नहीं। मेरा रिश्ता उनके साथ कुछ ऐसा है कि मुझे एक्चुअली मैं कभी उनके साथ फ्रेंड या बड़ी की तरह बिहेव नहीं करता। जब वो कमरे के अंदर आ जाते तो मैं खड़े हो जाता हूँ, तो बहुत ही आदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ उनका, तो बड़ी मैं बुला नहीं सकता, बिकॉज दैट वुड डाइल्यूट द रिश्ता एंड द इंपैक्ट ऑफ द रिलेशनशिप वी हैव। वेल, तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर और उनके ट्रेनर ऑफ द ईयर, जिन्होंने बनाया इस इवेंट को काफी एंटरटेनिंग। और सलमा खान, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे रानी मुखर्जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी आजकल फिल्म अय्या के प्रमोशंस में जोरों शोरों से लगी हुई हैं, और रिसेंटली एक इवेंट पर रानी ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। किसी को देख कर उसकी पहचान कर पाना तो आम बात है, बट किसी को स्मेल करके उसको पहचान कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आजकल रानी मुखर्जी कुछ यही कर रही हैं। हाय रानी, वेलकम टू Zoom। हाय। हमने सुना है आप स्मेल करके लोगों को पहचान रही हैं आजकल। मेरी फिल्म की जो कहानी है, मैं एक लड़के को प्यार करती हूँ उसके स्मेल की वजह से। अच्छा, इस फिल्म का प्रमोशन भी शुरू हो चुका है और आज रेडियो मिर्ची में आप बैठी हुई हैं, तो कैसा रहा पूरा दिन? टिकट टिकट मिर्ची, रेडियो मिर्ची में आके इट्स हॉट, और ये लोग मुझे ऐसे ही बोलते हैं हमेशा, एंड इट्स गुड फन इज कि इस फिल्म में मेरी नाक तीखी है।
आई गेस ये भी एक राज होगा फिल्म के लिए जो देखने में पता चलेगा. राज नहीं, ऐसी कोई राज नहीं हमारी फिल्म में. हमारी फिल्म में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है. सब कुछ हम बहुत ही ओपनली कह रहे हैं फिल्म में. और यही है कि सब इन्जॉय करेंगे फिल्म जब देखेंगे. और जिस तरह से मैंने इन्जॉय किया इस फिल्म करते हुए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो दर्शक जाए वो भी इन्जॉय करें. Okay, इसके अलावा ड्रीमम विक्कपम बहुत फेमस हो गया, लोगों की जुबान पे चढ़ गया, और आई गेस गणपति में भी बजने लगेगा, नवरात्र में बजने लगेगा. तो क्या आपकी किस तरह से आपको कमेंट्स मिल रहे हैं इस गाने पे? बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं. और जब भी कुछ चीज़ लोगों को पसंद आती है हमारी फिल्म में, एज अ टीम मेम्बर आई थिंक वी आर ऑलवेज वेरी हैप्पी कि जिस चीज़ के लिए हमने मेहनत की है वो आज दर्शकों तक पहुंची है और उनको बहुत मतलब पसंद आ रहा है. तो आई थिंक इट्स अ थिंग टू टेक एज अ कॉम्प्लीमेंट. एंड फ्रॉम टीम अय्या आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी एंड ऑल द लिसनर्स हु लिसन टू द म्यूजिक एंड दे लाइकिंग इट. एंड आई एम होपिंग कि जिस तरह से अमित ने हर गाने को एक अलग फ्लेवर दिया है, अमित के हर गाने को लोग मतलब पसंद करें, उस गाने को सराहें और मिर्ची के चार्ट्स पे एकदम नंबर वन करार दिया जाए. इसके अलावा श्रीदेवी का जो ना जाने कहाँ से आई है, ये भी काफ़ी चर्चा में है कि आप उनको ट्रिब्यूट दे रही हैं. तो मैं एक्चुअली मेरे तीन फेवरेट एक्ट्रेसेस को ट्रिब्यूट दे रही हूँ, श्रीदेवी जी, माधुरी जी और जूही जी. और उनके जितने गाने देख के मैं बड़ी हुई हूँ. सचिन मतलब बड़े हुए मेरे डायरेक्टर, और मेरी जो कोरियोग्राफर दोस्त है वैभवी, हम तीनों ही उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं. और हमने एक बहुत स्वीट सा ट्रिब्यूट दिया उनको जो बहुत जल्द आप देखेंगे. और आई एम ऑल्सो क्वाइट एंग्शियस टू नो हाउ पीपल रिएक्ट टू इट. ओके चलिए राइन, थैंक यू सो मच. एंड हम उम्मीद करते हैं कि सबके जुबान पे सिर्फ अय्या ही अय्या रहे. कैमरामैन मंजीत के साथ चेतना सिंह, जूम मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है क्लीन एंड क्लियर लखनऊ फ्रेश फेस इवेंट. वी विल गिव यू कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिस इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. आफ्टर द ग्रैंड सक्सेस इन 2011, द क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज टैलेंट हंट्स, इज बैक दिस ईयर इन 11 सिटीज. Clean and Clear and Fresh Face have enabled young girls to be confident and vibrant. Aur Clean and Clear ka ye safar shuru hua Delhi se aur gaya various cities mein. Ab bari hai for all the Lucknowites to gear up, kyunki bahut jald pahunchne wala hai ye talent hunt in the city of Nawabs, yani ki Lucknow. After rigorous workshops, photo shoots, video tests and a talent hunt, Tridha and Vaidehi were crowned the faces of Clean and Clear. As the faces of Clean and Clear, Fresh Faces Tridha and Vaidehi have gotten featured in the advertisements of Clean and Clear Morning Energy Face Wash. Clean and Clear believes that confidence begins with being comfortable in one's own skin. Aur isliye Clean and Clear leke aaya hai ek confidence meter, which is a scale to measure your confidence score. You can participate in Fresh Face and evaluate your score in each round, or else by taking a short quiz online at itimes.com. This online confidence quiz is a fun way of assessing your self-esteem. So, get set to check your confidence score and discover new possibilities with confidence from Clean and Clear. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News mein kal hum phir lautenge lekar Bollywood ki aur bhi latest news and gossips. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel. Get the latest news of Bollywood and entertainment on youtube.com/zoomtv.